अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। एक्चुअली कल हमने शॉपिंग कर करके इतना ज़्यादा थक गए थे कि घर आके ना दोबारा शूट करने की हिम्मत नहीं हुई कि सामान दिखाते, बट इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को ना वो सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो हम कल कर लाए हैं। तो उसके साथ साथ जो भी आज का व्लॉग होगा वो मैं कंटिन्यू करूँगी। आज है सैटरडे, तो आज सैटरडे और कल संडे है, तो कल हम लोग घर चले जाएंगे। तो जितना भी दो दिन का अम्मी के घर का व्लॉग होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, 1000 सब्सक्राइबर्स का। एंड थैंक यू ऑल जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी अम्मी का घर ना पूरा अच्छे से फैला हुआ है। इल्सा सो रही हैं, पूरा घर जाग गया, इल्सा सो रही हैं, हुसैन अभी सो के उठे हैं और अभी बाहर का जो है ना वो सारा फैला पड़ा है। तो अभी सारी सफाई होगी, सिमटा जाएगा, फिर घर जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना तो फिर उसके आगे का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यहीं पर बाय बाय करती हूँ। अच्छा, ये वीडियो ना उसी का पार्ट है जो मैंने लास्ट आप लोगों के साथ दो व्लॉग्स शेयर करे हैं शॉपिंग के, तो ये उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आए हैं स्मार्ट बाज़ार से। और इसके साथ ना आज सैटरडे है तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो सब में एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ज़्यादा है। तो डैडी भी कचौरियाँ लेकर आ गए थे और सब हर काम अपना जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए थे कि जल्दी से फ्री हों और फिर टीवी के आगे बैठकर आराम से हम मैच देखें। अच्छा, वैसे भी ना मतलब इंडिया के और किसी के साथ भी मैच होते हैं तो ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, बट जब पाकिस्तान के साथ होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी को एक्साइटमेंट होती है। इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के और भी कंट्रीज़ में एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और दिल्ली का ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग का 90% लोगों के घरों में यही होगा। और कौन कौन कचौरी वाला नाश्ता करता है सैटरडे संडे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद बच्चों ने टीवी ऑन कर लिया था। हैंड्स अप, कितने पे? 128 पे 2 इंडिया जीतेगी। हैं, टीवी कवर नहीं, मैं ये स्कोर दिखा रही हूँ, स्कोर। मैच तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत गए थे, तो चले अब शॉपिंग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। एक ही वाली बास्केट ली थी ग्रीन एंड वाइट वाली जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वॉश करने की थी, और एक ये इस तरह की बास्केट्स ली थी और इनका MRP जो है ना 99 रुपीज़ था, जस्ट 99 रुपीज़। तो ये लिए थे 3 बास्केट आलू टमाटर सब्जियाँ रखने के लिए, और उसी के साथ साथ ये वाला जो वैसलीन था ये यूसरा ने लिया था, और डीप मॉइस्चराइज़र मैंने लिया था क्योंकि मेरी स्किन ना एक्सट्रीम ड्राई है, तो मुझे तो विंटर्स में यही लगता है वैसलीन का डीप मॉइस्चराइज़र। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, हेवी डिस्काउंट था। और उसके साथ बच्चों के खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया था, मैगी ली थी और ये गुड्डे बिस्किट्स लिए थे और ये मारी लाइट बिस्किट लिए थे अम्मी के लिए, और यूसरा ने लिया था अपने लिए ब्रोसिल का ये ग्लास कंटेनर ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स। पीनट्स लिए थे क्योंकि यूसरा पीनट्स का ब्रेकफास्ट अक्सर बनाती है। मैंने हाका नूडल्स लिए थे, मुझे बेइंतहा पसंद है नूडल्स, और काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स नॉर्मली होते हैं तो वो लिए थे क्योंकि इनकी तो अक्सर मतलब घर में रखना ही चाहिए इनको, और बच्चों को भी देते रहना चाहिए, खुद भी खाते रहना चाहिए। और थोड़े से टूटे हुए काजू लिए थे हम लोगों ने कि कभी हलवे में डालना हो या फिर किसी चीज़ में डालना हो तो ऑब्वियसली उनको कटिंग करना पड़ता है, बट ये ठीक रहते हैं। और ये चटर पटर जितना भी था ना ये सब सादिया का सामान था जो उन्होंने खुद के लिए शॉपिंग करी थी, वो आगे आपको दिखाएंगी। और इसके साथ साथ हमने और क्या लिया था, हमने लिया था ये ऑर्गेनो, ये यूसरा का था ये, क्योंकि यूसरा जो ब्रेकफास्ट बनाती है ना उसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऑर्गेनो ये सब डालती है। और ये भी ट्रे घर के लिए ली थी अम्मी के घर के लिए, ये बहुत प्यारी लग रही थी हमें, तो ये एक छोटी ट्रे ली थी क्योंकि अक्सर डैडी को चाय देनी होती दूसरे रूम में,
तो हमें एक छोटी ट्रे चाहिए थी और एक इस तरह की ट्रे चाहिए थी, और ये भर के स्पाइसेस लिए थे, मतलब जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया ना आपको, तो वहीं से हम लोगों ने ये सारे स्पाइसेस ख़रीदे थे, बाय वन गेट एनी था। और ये इतने, मतलब अभी तक हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च और यूसरा ने आलू सब्ज़ी मसाला यूज़ करा है, बहुत ज़बरदस्त निकले, सीरियसली बहुत अच्छे निकले। हम लोग सोच रहे थे नया ब्रांड है, पता नहीं कैसा निकलेगा, बट सीरियसली स्पाइसेस में खुशबू है और बहुत अच्छे हैं। तो ये जो इस तरह से हमने मिक्स एंड मैच करके लिया था, यूसरा ने पाव भाजी एंड आलू सब्ज़ी का मसाला लिया था, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी का मसाला, बिरयानी का मसाला और शायद एक आध मसाला और एक्स्ट्रा लिया था। तो ये जितने भी थे ना, ये सब मिक्स एंड मैच में से उठाए थे हम लोगों ने, और इसका MRP, इसका प्राइस सब कुछ बढ़िया था। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या लिया था, अच्छा मैंने एक बहुत प्यारे से कंटेनर्स लिए थे, और वो हैं जी ये वाले कंटेनर्स, कॉफ़ी शुगर एंड टी के। तो ये इस तरह से ऊपर से ना लॉक हो जाते हैं, तो मैं जब इनको यूज़ करूँगी ना अपने किचन को सेट करूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसको प्रॉपर रिव्यू दूँगी, प्रॉपर तरीके से दिखाऊँगी। और कॉफ़ी वाले कंटेनर में मैं क्या भरूँगी वो मैं आपको उसी टाइम बताऊँगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कॉफ़ी नहीं भरूँगी ऑब्वियसली। हम मेरी फैमिली में बस हस्बैंड, मैं और दो बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे कॉफ़ी पीते नहीं हैं, हस्बैंड को भी इतना शौक नहीं है, बस कॉफ़ी मैं पीती हूँ, तो मेरे लिए वो कंटेनर वाला ठीक रहता है। अच्छा, उसके साथ हम लोगों ने लिया था ये सूर्य फ्लेम का गैस स्टोव, 3 बर्नर वाला। तो अब आपको मेरा स्टोव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा वीडियो में, जब तक मैं अपना किचन का मेकओवर नहीं कर लेती, क्योंकि जो मेरा गैस स्टोव है ना अभी वाला, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो उसको चेंज करना ही था मुझे। तो ये 2 ईयर्स वारंटी के साथ है, और ग्लास का है और सूर्य फ्लेम का है। तो मेरे पास जो इंडक्शन है ना वो भी सूर्य फ्लेम का है, तो इस वजह से मुझे लगा कि इंडक्शन, माशाल्लाह आप 7 ईयर्स हो गए हैं शादी को, तो इंडक्शन अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसमें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैंने कहा ठीक है फिर सूर्य फ्लेम का ही ले लेते हैं, हम लोग प्रेस्टीज या पिजन को अवॉइड कर देते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये वाला बाय करा था। इसका जो MRP था ना वो अराउंड 7,000 रुपीज़ था, बट डिस्काउंट करके हमें 2,200 रुपीज़ का मिला है। ये मेरी काम के लिए पेंसिल, ठीक है, मेरा खाने का पड़ा, ये मैगी यूसरा आप इन्हें इनको गिफ्ट करिए। और दिखाओ, और ये वेफर्स है, ये ना इसका साथी है, इसका पापा, और ये मम्मी पापा है, और ये मेरी मन पसंद ये किटकैट, ठीक है, और ना ये भी उस आप ने आपको गिफ्ट करे। ये क्या है? ये आपके बिस्किट है, गुड्डी बिस्किट। हाँ का नूडल्स उठाओ, और ये इतराहट की बहुत बड़ी दुकान है, लाओ आंखें, नो और ये देखिए हाँ का नूडल्स, बिस्किट भी दिखाओ, वेरी गुड, बिस्किट भी दिखाओ, इतने सारे बिस्किट, ये शादी की शॉपिंग है सारी, नहीं ये तो आपकी शॉपिंग है, ये मेरी शॉपिंग, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। गाइस हम देख रहे हैं खतरों का नहीं, खतरों का खिलाड़ी, खतरों का, हाँ तो गाइस देखा खतरों के खिलाड़ी का फिनाले है, वो देख रहे हैं हम, लेट्स सी कि कौन जीतता है। तो जी बस खाने का टाइम हो गया, अब हम लोग खाना खाएंगे। कुकर खोल दे, कुकर में दिखाते हैं सब, यूज़ करें, बनाए राइस, और मुझे आ रही नींद, सुबह से उठ उठ ये टाइम हो गया है यार, सीरियसली जब तुम ऑफिस जा रही थी मैं तभी उठ गई थी। शी इज़ गेजिंग मी, और दाल बनी है और फिश बनी है, फिश करी। तो चलें दस्तरखान लग चुका है, खाना खाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलूंगी जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय जी, अल्लाह हाफिज़।